आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं आपको कुट्टू और आलू का चीला बनाना बताती हूँ, जो व्रत में उपवास में खाया जा सकता है। मैंने एक आलू लिया है, उसको मैं छील रही हूँ। अब हमारा आलू ये छिल चुका है। अब मैंने ये आलू धो लिया है और मैं इसे कस रही हूं। ये आलू हमारा कस चुका है। ये आलू मैंने धोकर एक बाउल में कर लिया है। अब मैंने गैस जलाकर फैन रख दिया है। अब मैं इसमें ये एक छोटी कटोरी कुट्टू का आटा है, ये मैंने पहले से ही पीस के रखा हुआ था, ये मैं इसमें आलू में डाल देती हूँ। अब इसमें मैं आधी चम्मच नमक डालती हूँ और आधी चम्मच से थोड़ा कम काली मिर्च डालती हूँ। आधी चम्मच मेरी हरी मिर्चें हैं, ये डालती हूँ मैं। अब मैं इसमें पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर रही हूँ। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ डालने से हमें पता नहीं चलेगा कि ये गाढ़ा है या पतला है, इसलिए हमें पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है इसके अंदर। इसका हम गाढ़ा सा थोड़ा ऐसे मिक्स कर लेंगे। ऐसे हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये अब हमारा छिले के हिसाब से घोल तैयार हो गया है। इसे मैं घी लगाती हूँ। गैस मीडियम ही रखे हैं। हमें इसमें एक चम्मच थोड़ा सा ये डाल देती हूँ। अब इसको हम आराम आराम से इसको फैला देंगे, बिल्कुल आराम से फैलाएं। अब इसमें मैंने चार तरफ घी डाल दिया है और ऊपर से भी घी लगा दिया है। जो भी व्रत का खाना होता है वो मैं घी में ही बनाती हूँ। यह हमारा एक साइड से अब सिक गया है, दूसरी साइड से भी हमें सेकना है। जब तक ये सुनहरा हो जाए तब तक हमें इसको दोनों तरफ से पलट पलट के सेकना है। इस तरफ भी मैंने घी लगा दिया है। ये हम व्रत में भी खा सकते हैं। अब ये हमारा दो तीन मिनट के बाद पूरा सिक चुका है। अब ये खाने के लिए तैयार है। ये बहुत कम समय में बन जाता है, जल्दी भी बन जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती है, आराम से बन जाता है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, नॉर्मल भी खा सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे आप खा सकते हैं। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को ज्वाइन करना। आगे किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं।